किस बर्तन में खाते हैं रोटी? डाइनिंग टेबल या जमीन पर करते हैं भोजन? जानें आशु भाई गुरुजी से। सिर्फ भूख ही नहीं, दरिद्रता भी मिटाएगी रोटी। बिल्कुल, भूख ही नहीं दरिद्रता भी मिटाएगी रोटी। आप अक्सर भोजन करते हैं, लेकिन आपने सोचा है कि भोजन करने का तरीका क्या होना चाहिए? क्या आपने कभी ये सोचा है कि ज़मीन पर खाने से आपके ज़िंदगी पर क्या प्रभाव होगा, आपके ग्रहों पर क्या प्रभाव होगा? या अक्सर आपने देखा होगा कि कई लोग जो है बेड पर बैठकर भी खाना खाते हैं, तो आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूँ नीतू गुप्ता। वक्त हो गया है हमारी खास पेशकश का, जिसका नाम है खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ। और आज हमारे खास कार्यक्रम में रोटी भोजन के बारे में बात करेंगे कि किस तरह की विधि होती है, खाना खाने का क्या तरीका होता है, ये गुरुजी से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले गुरुजी का स्वागत कर लेते हैं। गुरुजी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे, कहते हैं जैसो खायो अन्न वैसो पायो मन। मन की तो बात ही क्या है दोस्तों, लेकिन आज अन्न की बात करेंगे कि अन्न आप किस तरह खाएं रोटी, जिससे कि आपको मिले खुशियां, सेहत और सब कुछ, पैसा वगैरह। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि किस बर्तन में रख के खाना खाएं, चीनी की प्लेट में या कागज़ की प्लेट में या लोहे की प्लेट में या फिर एक थाली में जो पीतल की है। क्या आप जानते हैं आपको सबसे ज़्यादा शुद्ध और सबसे ज़्यादा अच्छा भोजन जो है थाली में प्राप्त होता है, जो कांसे की है या पीतल की है या जिस भी धातु की है। कहते हैं दोस्तों, ऐसे बर्तन में खाना खाने से स्वास्थ्य उत्तम रहता है, मन शुद्ध रहता है और दिमाग में बेकार की बातें नहीं आती हैं। यदि आप खाना खाते हैं कागज़ में या पत्तल में, तब भी आपके लाइफ में कमाने की क्षमता बार बार बनी रहती है, मन अच्छा रहता है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है और ज़िंदगी में जीने की तमन्ना बराबर बनी रहती है। जी बिल्कुल, तो आज इसी पर करेंगे बातचीत। लेकिन आपको हमेशा की तरह बता दें कि आप हमसे जुड़ सकते हैं, अगर कोई सवाल है आपका तो ज़रूर करिए गुरुजी से। क्या परेशानी ज़िंदगी में चल रही है ये साझा कीजिए, जिसके लिए आपके टीवी स्क्रीन पर एक नंबर भी फ्लैश किया जा रहा है, इस नंबर पर आप कॉल कीजिए। और पहली कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है दिल्ली से, सुदेश। सुदेश जी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी गुरुजी, नमस्कार। मेरा ये है, हमने मकान बेचना है, सुदेश जी पहले आप क्या जानना चाहेंगे, मकान के बारे में या अपनी सेहत के बारे में? अपनी सेहत के बारे में। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आप रोटी कहाँ पर खाते हैं, खाट पे बैठ के खाते हैं, जमीन पे बैठ के खाते हैं या डाइनिंग टेबल पर खाते हैं? ये टेबल पर खाते हैं, बैठ के, डाइनिंग टेबल। ठीक है, आप ये भी बताएं कि आप दो रोटी खाते हैं या चार रोटी खाते हैं? दो रोटी खाते हैं। आप ये बताएं कि आप देखने में मोटी ताजी लगती हैं या दुबली सी लगती हैं? मीडियम लगती हूँ, ना मोटी ना पतली। आप ये बताएं आपके बाल बहुत मुलायम हैं या बहुत हार्ड हैं? मुलायम है। आप ये बताएं कि आपके मुंह में दांत 50-50 रह गए या मतलब आधे से ज़्यादा हैं? भाई 50-50 रह गए। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप ना अपने घर में ज़मीन पे बैठ के खाना खाया करो। अच्छा। अगर आप ज़मीन पे बैठ के खाना खाएंगे तो आपको दवाई लगने लगेगी, आपकी तबीयत ठीक होने लगेगी और आपका मन अच्छा रहेगा। और एक और सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप खाना खाएं तो आप कोशिश करें कि पहला रोटी का निवाला जो है निकाल के रख दें और उसको खाना खाने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के चिड़ियाओं को या किसी भी जीव जंतु को दें। इससे दान करने से हमारे शरीर में हमारी ऊर्जा बढ़ती है, हमारे परोपकार बढ़ते हैं और दान देने से हमारी जो मन की आस्था है वो अच्छी होती है। अब ये बताएं कि मकान किसके नाम है? ये सुदेश मेरे नाम है। आपका पूरा नाम क्या है, जो कागजों में लिखा हुआ है, रजिस्ट्री में लिखा हुआ है? सुदेश चावला। सुदेश जी, मकान का नंबर क्या है? 244A/12। कहाँ पे है ये? दिल्ली में ही है, पंडित शिवाजी कृष्णा नगर में। ये बताओ कि ये इसमें आप कहाँ रहते हो, ग्राउंड फ्लोर में कि ऊपर रहते हो? ग्राउंड फ्लोर में। ठीक है,
देखो जी, मकान तो आपका बिक गया था, लेकिन मकान में कोई अड़चन डाल रहा है। अच्छा। जैसे कोई पूछने आता है तो कोई आपका पड़ोसी आपका दुश्मन अच्छा। है, वो खामे खा की बातें भड़काता है जिससे कि मकान बिकता नहीं है। अच्छा। और एक बात हो रहा है, मकान को अगर आप बेचना चाहते हो तो मकान के बाहर राइट साइड की तरफ एक मोटा सा कील ठोक दो, टोपी वाला। टोपी वाला, अच्छा। और उस कील के अंदर ना एक धागा बांध दो, अपने सिर से लेकर पैर तक एक धागा बांध दो, वो धागा बंधा रहे, उस धागे को गंगा जल से आपने 2-3 बार धो देना है। किस रंग का धागा हो? लाल रंग का कलावा होना चाहिए, जो कलाई पे बांधते हैं ना, वो वाला। अच्छा, एक बात पूछूं मैं आपको? हाँ जी। इस मकान को लेकर कोई झंझट भी हुआ था क्या किसी से? नहीं, ऐसा तो नहीं। कोई किराएदार वगैरह तो नहीं रखा आपने? रखे हुए हैं किराएदार, पहले किराएदार था, उसकी झंझट हुआ, वो निकल गया। तो वो झंझट कोर्ट कचहरी तक गया था क्या? नहीं, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि मकान में अगर कोई झंझट पड़े तो इसका मतलब है हमारे मकान की भूमि में कोई ना कोई कष्ट है। तो आपने एक काम करना है कि अपने पूरे घर में ना वो नमक बखेर देना है। नमक? अच्छा। हाँ, अच्छा। पिंक नमक बखेर देना है ग्राउंड फ्लोर में, और सुबह उसे कपड़े से साफ करके बाहर गंदे पानी में फेंक देना है। अच्छा, वैसे झगड़ा इतना तो नहीं हुआ था, तो उठा दिया था हमने किराएदार। देखो जी, झगड़ा तो झगड़ा है, चाहे कोई गाली गलौच हुई हो, चाहे बदतमीजी हुई हो, चाहे कुछ भी हुआ हो। हाँ, अच्छा। अगर आपने माना है झगड़ा है तो हम भी कहेंगे झगड़ा है। अच्छा, और अगर आप कहते हैं कि झगड़ा नहीं हुआ तो हम कहते चलो नहीं हुआ। अच्छा। अब देखो, आपको एक बात और बताता हूँ, आपको बड़ी बीमारी ना सिर में होगी, ऐसा लगेगा चक्कर से आ रहे हैं, ऐसे लगेगा सिर में दर्द हो रहा है और पूरी बॉडी में दर्द हुआ करेगा। मैं नीचे जमीन पे बैठ ही नहीं सकती। तो आपको हमें एक बात बताएं, देखो आपको क्या करना है कि कच्चे अनाज का दान करना है। कच्चे अनाज का? हाँ, जैसे कच्चा अनाज होता है ना, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ऐसे अच्छा। आप ना कहीं भी चिड़ियाओं को, तोतों को, कबूतरों को डालेंगे अच्छा। तो उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अच्छा। ये दान करने से, लाल गाय को घास खिलाने से, ताजा घास खिलाने से आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा, एक बात पूछो मैं आपको। हाँ जी पूछो। आपके घर में सबसे छोटा कौन है? गौरव लड़का है। क्या नाम है उसका? गौरव चावला। कितने साल का है? वो है 32 साल का। इसका ना ध्यान रखना, इस पे बार बार कुछ ना कुछ पंगा पड़ेगा, कुछ ना कुछ क्लेश आएगा छोटे बच्चे पे। हाँ, क्योंकि इसके साथ क्या है कि ये करता अच्छा है, हो जाता बुरा है। हाँ। अब कोई किसी के साथ अच्छा करे उसके साथ बुरा हो तो इसका मतलब समझते हैं आप? हाँ। इसका मतलब है कि आपका बेटा भी ना भगवान को कमी मानेगा। अच्छा। और उसके अंदर क्या है कि हर चीज को टाल देने की आदत है, छोड़ो ना मम्मी, क्या करेंगे, फलाना करेंगे, ऐसे समझा देगा। और अगर आपका जो मकान है अगले महीने के बाद बिक जाए तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, सही रेट मिल जाए। सही रेट ही मिल जाए? देखो सही रेट तो हम नहीं दे सकते, लेकिन हाँ ये है कि आपका मकान बिकवा सकते हैं। अच्छा। क्या आप कुछ और जानना चाहेंगी? घर में शांति नहीं है। घर में शांति नहीं है, घर में शांति हो जाएगी। घर में शांति के लिए लोबान, गुग्गुल और अष्टगंध की धूप बनाकर उपले पे जलाकर कपूर के साथ घर में घुमाएं, रोज सुबह ऐसे करना है। आप जानते हैं दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरु जी के साथ, आप प्रोग्राम देख रहे हैं, आप भी अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। बिल्कुल, और ऐसे में गुरु जी एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रीति बदायूं से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं, जो सवाल करना चाहती हैं आपसे। प्रीति, क्या कुछ कहना चाहती हैं आप? हाँ, प्रणाम गुरु जी, मैं अपनी बहन के बारे में जानना चाहती हूँ। हेलो। हाँ प्रीति, आप जी सुन रहे हैं, आपको क्या जानना चाहेंगे आप, प्रश्न करें। उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और काफी समय से है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये ठीक कब होएगी। किसका स्वास्थ्य खराब है? मेरी छोटी बहन है। आप छोटी बहन का नाम बताएं पूरा। आप प्रिया। कितने साल की हैं? 48। क्या स्वास्थ्य खराब है, जैसे कोई महारोग है या कोई छोटा मोटा रोग है? नहीं, क्रॉनिक है, मेंटली चैलेंज्ड और मेंटली प्रॉब्लम है। आप बताएं इनका बॉडी वेट क्या है?
वेट तो काफी टाइम से नहीं लिया है, लेकिन आप इनकी हाइट बताएं, मम्मी से ज्यादा हाइट है या कम है? ज्यादा है, 5'4" है। आप बताएं, ये अभी कुछ समय पहले एडमिट हुए थे क्या हॉस्पिटल में? ये तो नहीं है, एडमिट हुई थी, लेकिन इसका इलाज होता था पहले तो हम ले जाते थे इसे। आप बताएं, इनका चेहरा लंबा है या गोल है? थोड़ा लंबा है। ठीक है, जैसे ये भी आपकी तरह सोच सोच के बात करती है या एकदम फटाफट बोलती है? ये अब तो बोलती नहीं है, बिल्कुल बोलती नहीं है, बातचीत नहीं। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि ये ठीक नहीं होने वाली हैं। इनके जीवन में कष्ट जो है अमर हो गया है और वो बार बार इनको तंग करता रहेगा। तो आपको मैं एक उपाय बताता हूँ, एक कहरवे की माला आती है, कहरवे की, अच्छा। पीले रंग के कहरवे की माला इनके गले में डालो 2 सप्ताह तक, और 2 सप्ताह के बाद निकाल के किसी सूखे हुए पेड़ पर डाल दो। उसके बाद आप देखेंगे इनको मानसिक हालत में सुधार होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर ये सोते सोते भी बोलती हैं या लेटे लेटे भी बोलते हैं, तो फिर आप एक काम करें, इनके दोनों पाँव में एक एक काले रंग का धागा दोनों पाँव में बांधें, दोनों अंगूठों में चांदी का तार बांधें, और ऐसा 4 सप्ताह तक करें। 4 सप्ताह तक धागा बंधा रहे, तार बंधा रहे, और कोशिश करें कि पाँव के तलुओं में कच्ची हल्दी, नींबू और नमक मिलाकर इनके पाँव के तलुओं में लगाएं, और उसके बाद खाकी रंग की कोई पट्टी बांध दें। तब आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ना शुरू हो गया है। इन्हें ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि इनके ठीक होने में लगभग 1 साल लग जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, खान पान का ध्यान रखें, और कोशिश करें कोई तीखे कलर का कपड़ा इनके शरीर के ऊपर ना हो, या तीखे कलर की चादर, जैसे लाल रंग का तीखा है, ऐसे तीखा जो चमचमाता कलर है उसकी चादर वगैरह या कपड़े इन्हें धारण नहीं करने हैं, एकदम ठीक हो जाएंगे। क्या आप कुछ और जानना चाहेंगे? जी गुरु जी, मुझे अपनी मम्मी के बारे में भी जानना है। आप अपनी मम्मी का? बहुत दर्द रहता है और अर्थराइटिस तो है ही। आपकी मम्मी की आयु कितनी है बेटा? मम्मी की? हाँ, 74। अब क्या कह के पुकारती हैं उनको? मम्मी बोलती हूँ। ठीक है, एक बात बताएं, आपकी मम्मी मोटी ताजी है या थोड़ी कमजोर शरीर की है? कमजोर है अब तो। आप अपनी माँ को 0 डिग्री का रुद्राक्ष गले में डाल दें, सोमवार के दिन रुद्राक्ष की क्वांटिटी 108 दाने की माला होनी चाहिए, और किसी अवसर पर डालनी है या किसी त्यौहार पर डालनी है, रात को वो माला निकाल कर गिलास के पानी में डाल दें, और सुबह उसका पानी पी लें, और सुबह पानी पीने के बाद धोकर फिर उसे गले में डाल लें। ऐसे 11 दिन करना है, तब आप देखेंगे उनके स्वास्थ्य में, उनके हेल्थ में, हर चीज़ में आराम आना शुरू हो गया है। आप मम्मी को कहें कि ज़्यादातर चला करें, ज़्यादा देर बैठना या सोना उनके लिए हानिकारक हो सकता है, और हो सके तो अपनी मम्मी को बोलें कि कोई भी 2 किस्म का आटा खाएं, कोई भी 2 किस्म का आटा मिक्स करके खाएं, ऐसा खाने से उनके लाइफ में, उनके शरीर में अच्छा रहेगा, और 2 अन्न जो है उनकी राशि जो है उन्हें ठीक करने में हेल्प करेगी। आप देख रहे हैं दोस्तों खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ। आज चर्चा चल रही है रोटी पर, और आपको बता दें कि रोटी जो है खाने से ही आदमी की लाइफ में बड़ा फर्क पड़ता है जी। अगर आप पलंग पर बैठकर खाना खाते हैं और आधे पैर लटके रहते हैं और प्लेट हाथ में लेकर खाना खाते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके जीवन में हमेशा हलचल रहेगी, परेशानियां रहेंगे, और आप टेंशन से भरे रहेंगे। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि कोई ना कोई समस्या आपके जीवन में आ रही है और वो समस्या जा नहीं रही है जी। अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में कोई समस्या आए और जाए, तो इसका मतलब है कि आपको खाट पर बैठकर, पलंग पर बैठकर, या जिस जगह पर आप सोते हैं वहाँ पर बैठकर पैर लटका के खाना नहीं खाना है।
बिल्कुल, और क्योंकि गुरु जी कई लोग देखा भी है कि बेड पर या फिर पलंग पर जिस तरह से आप बता रहे हैं बैठकर खा भी लेते हैं, और अगर पुराने ज़माने की बात करें या साइंटिफिक रीज़न की बात करें तो अभी भी कहा जाता है कि ज़मीन पर बैठकर खाना खाइए ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ठीक हो। फिलहाल यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, रंजीत इस वक्त हमारे साथ पंजाब से हैं। रंजीत जी क्या सवाल है आपका? हां जी मैम जी, मैंने बच्चों के बारे पूछना है जी। हेलो, हां हां जी सर, नमस्ते गुरु जी। थोड़ा सा तेज बोले आप। हां जी नमस्ते गुरु जी, नमस्ते। हेलो हेलो, हां जी नमस्ते गुरु जी। हां नमस्ते, आपको सुन रहे हैं। आप क्या जानना चाहेंगे, प्रश्न करें। बच्चों के बारे पूछना चाहते हैं जी, बेटे बारे बेटी बारे। केड़े बच्चे पूछना, ओदा नाम दसो, ओदी उम्र दसो। साल दा जी, तनवीर सिंह, तनवीर सिंह। हेलो, तनवीर सिंह सर, तनवीर सिंह। बेटा आपके आवाज साफ नहीं आ रही है, आपके आवाज हम ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। आप बिल्कुल शांति से बोले, घबराए नहीं, जल्दी जल्दी ना बोले। बड़ी मुश्किल से मिला है, बड़ी देर बाद फोन। तनवीर सिंह जी, तनवीर सिंह। हेलो तनवीर सिंह, और दूसरे का क्या नाम है? बेटी का नाम है शमीन कौर। शमीन कौर, अश्मीन कौर। हाँ जी अश्मीन कौर। सबसे पहले आप किसके बारे में जानना चाहेंगे? बेटे के बारे में, बच्चियां के बारे पूछना भी, किस तरह करेगा करेक्टर, कहेंगे मम्मा क्या बनी है, क्या अच्छा रहेगा, सेहत। आपका बेटा कितने साल का है? बेटा 13 साल का जी, 9th से पढ़ता। ठीक है, आपका हाँ बेटा पापा जैसा दिखता है कि मम्मी जैसे दिखता है? पापा जैसा, पापा जैसा। हंसमुख है या सीरियस रहता है? अरे बड़ा कई बार कभी कभी क्रोधित हो जाते हैं, हाथ मुख। वैसे तो आप बताएं इसका हाँ। खाने का मुख चौड़ा है या छोटा है? ठीक ठीक है। आप ये बताएं कि इसका रंग कैसा है? रंग ठीक है, वैसे ना गोरा ना काला, ठीक ठीक है। ठीक है, देखो जी आपका बेटा तो होनहार है, होनहार बोले तो अच्छा है, नाम कमाएगा, लेकिन अच्छा आप इसे किसी स्पोर्ट्स में डाल दें, किसी खेल कूद में डाल दें। अच्छा जी, अगर आपने इसे अच्छा किसी स्पोर्ट्स में डाला तो आप कहेंगे क्या बात है, ये आपके खानदान में सबसे टॉप पे रहेगा। अच्छा जी, लेकिन इसके अच्छा चेहरे पर चोट का निशान भी रहेगा। अच्छा जी, तो ध्यान रखें और हमेशा इसके हाथ में, सीधे हाथ में दो कड़े बनाएं, दोनों अच्छा कड़े लोहे के होने चाहिए। अच्छा अच्छा, आप अपने बेटे को एक बात बोल दो कि वो रोज सुबह एक पन्ने का चाय पाठ जरूर करे। और जो पाठ करना है सुखमनी साहब का पाठ करना है, चाहे थोड़ा सा करे। अच्छा जी हाँ जी, बहुत हम लगा। और एक आप इसको जूते पहनाना, ज्यादातर चप्पली नहीं पहनाना, चप्पल नहीं पहनाना ज्यादा, क्योंकि चप्पल ज्यादा पहनाए तो उसका पैर बड़ा हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी, पैर बड़ा जो है शुभ नहीं होता है। अच्छा जी, आपके बेटे को पैसे कमाने का बहुत शौक रहेगा और आपके बेटे को चुगली लड़ाने का बहुत शौक रहेगा। अच्छा जी, हाँ ये कुछ ना कुछ बातें किसी न किसी की इधर उधर करा करेगा, और उन बातों से आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरा बेटा इधर उधर की खबरें सुना रहा है, खबरें लाल है, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है, बस ये है कि अपने मन में ये बात नहीं रखता, इसलिए अच्छा है। कामयाब हो जाएगा। अच्छा जी, थोड़ी देर एलर्जी रहती है जैसे कनोजी बना कफ वगैरह, बाद एलर्जी वगैरह भाई उसके, इसके मन पे छोड़ दो जो इसका मन चाहता है। अच्छा जी, हाँ एलर्जी रहती है जैसे कफ वगैरह को, खांग जी ना तो कहिए, हाँ ठीक हो जाएगा। आप इसके अच्छा कपड़े ना खूंटी पे ना टांगा करो, मतलब टांगा ना करो। अच्छा जी अच्छा, क्योंकि टांगोगे तो ये भी टांग देगा बात को, जैसे कहते हैं बात करते करते ना झूठ बोल दिया करेगा। अच्छा जी, बाकी अच्छा आपका बच्चा अच्छा है, होनहार है, सब ठीक है। बिटिया का नाम बताएं? अश्मीन कौर, अश्मीन कौर। कितने साल की है? ये बताएं इसकी लंबाई निकली है या लंबाई छोटी रह गई है? नहीं लंबाई तो है काफी, हमारे जैसी है, काफी है लंबी तो।
इसके बाल बताओ कटे हुए हैं या पूरे रखे हुए हैं? नहीं काटते नहीं हम, लंबे हैं, काटते ही नहीं। आपकी बेटी क्या पहनती है, सलवार कमीज पहनती है या क्या पहनती है? नहीं नहीं टॉप जिमें लोअर वगैरह, स्कूल में स्कर्ट लगी है, सलवार कमीज नहीं पहनती। आप इसे प्यार से क्या पुकारते हैं? अश्मीन, अश्मीन पुकारते हैं, ऐशु वगैरह अश्मीन। ठीक है, देखो जी आपकी बेटी को डांस करने का बहुत शौक रहेगा। सच्ची बिल्कुल ठीक है जी, हाँ जी हाँ जी। और आपकी बेटी को पढ़ाई का भी शौक रहेगा, ये पढ़ाई में तेज रहेगी। अच्छा जी। लेकिन अभी तेज नहीं है, अभी तो ढीली है। हाँ जी हाँ जी। लेकिन ये है कि ये अपने मकसद तक पहुंच जाएगी, जहाँ तक इसे पहुँचना है वहाँ तक पहुँच जाएगी। अच्छा जी, जॉब वगैरह बड़ी होके लग जाएगी काम। आप अपनी बेटी के गले में काले रंग का मनका डाल दो। काले रंग का? हाँ, अगर काले रंग का मनका डालेंगे तो इसे नजर नहीं लगेगी, इसकी हर चीज में रुकावट नहीं आएगी और अच्छी रहेगी। इसका एक और बात है गुरु जी, वो बताओ इसको ना कोल्ड इतना रहता है, जैसे कि नजला बहुत ज्यादा सर्द, इतनी शिक्की आती हैं, बहुत नहीं रुकती, बड़ी ही तंग होती है कभी कभी बहुत। तब एक काम करो, आपके यहाँ गाय का देसी घी मिल जाएगा? हाँ जी मिल जाएगा। गाय का देसी घी लेना है, एक एक बूंद बिटिया की नाक में रात को डालना है। अच्छा जी अच्छा। और ये बेटे के भी डालना है क्योंकि दोनों को नजले की प्रॉब्लम है। हाँ जी है, ये है, ये बिल्कुल ठीक है। एक एक बूंद डालेंगे, रात को सोएंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे इनकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक होती जा रही है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, ये घर आपका बड़ा शुभ है जिसमें आप रहते हैं। अच्छा जी। इस घर को छोड़ना नहीं है क्योंकि ये घर जो है इतना शुभ है, इतना शुभ है कि यहाँ पर सब कृपा आ रही है। अच्छा जी, हमने नया मकान बनाया है जो छोटा है, हम उससे रहते हैं ना, नया मकान बनाया है गुरु जी, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आती है, उसकी जगह में रहते हैं ना गोड्डे के दर्द की। आप ये सोच कर चलो कि यहाँ पर रहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आती, अगर कहीं और रहेंगे तो रहा नहीं जाएगा। नहीं जी, अब बना लिया है अब गुरु जी, अब बना लिया है, वहाँ पे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, थोड़ी जगह है ना, बहुत ज्यादा ऊंची नहीं, बहुत ज्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, पर घबराने की जरूरत नहीं है। ये मकान फिर भी बेचना नहीं है आपने? नहीं नहीं, बेचना तो कभी भी नहीं है, बेचना। और जो मकान आप बना रहे हैं उसमें अपने मकान के अंदर की तरफ आपने कोई भी शुभ बातें, जैसे बिकती है ना बजार में कैलेंडर बिकते हैं या कुछ भी, हाँ जी बातें लाने, हाँ उसमें अच्छी बातें लिखी होती है, वो एक कैलेंडर लगा दें और उसके पास, उसके पास एक फोटो लगा दें बच्चे की, तो आपके उस मकान में जो बन रहा है वहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो मकान आपका शुभ हो जाएगा। अच्छा जी अच्छा। और कोई गाल पूछनी है आप? आपके बारे मेरे बारे में बता दो जी, आपके जीत को रहा। देखो हाँ जी, आपके बारे में एक बात बता दूं, आप हाँ ना किसी के कितने भी काम आ जाना पर कोई आपके काम बिल्कुल नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं सभी, चाहे वो आपके घर का बंदा हो, चाहे बाहर का बंदा हो, चाहे कोई भी बंदा हो। हाँ जी, मेरा नाम रंजीत कौर है जी। पर एक बात मैं आपकी बता दूं, हाँ जी, आप ना फिर भी जैसे कहते ना कोई काम नहीं आए ना आए, फिर भी आप लोगों के काम आएंगे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपकी जो मन है वो ऐसा ही है कि मन मानता नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और मन में ना बार 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 ऐसे ही आता है कि किसी का अच्छा कर, किसी का भला कर, किसी को अच्छा बोल, ऐसे मन करता है आपका। हाँ जी हाँ जी, मैं धर्म के बहुत बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, आपका पैर खराब हो जाना था, आपके पैर में बढ़िया वाली चोट लगनी थी। अच्छा जी, ये बहुत पहले की बात है, आजकल की बात नहीं है, लेकिन आपका पैर तो ठीक है, बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ जी, जोड़ों में प्रॉब्लम आ रही है, गोड्डे बैठने, ये सब ठीक हो जाएगा। आप रात अच्छा को अलसी का तेल अपने पैरों पे लगा के सोया करें, आप जानते हैं दोस्तों अलसी का तेल। अच्छा जी, हमारे घर के घर वाले के बारे में थोड़ा सा, हस्बैंड के बारे में, वो ठीक रहेंगे, अमरजीत सिंह। क्या नाम है उनका? अमरजीत। क्या करते हैं? वो टीचर हैं गवर्नमेंट जॉब पे। अच्छा अच्छा, हाँ एक बात बताएं, वो जो है ज्यादातर क्या करते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं? बहुत सीरियस है वो, तो बस ऐसे भलाई करते हैं, जैसे रब का नाम लेते हैं, बिल्कुल ईमानदारी से। देखो जी, इनका वैसे तो भाग्य सब अच्छा है जी, लेकिन इनको चमड़ी का रोग हो जाएगा, इनको स्किन पे प्रॉब्लम आने लगेगी और ऐसा होने लगेगा जैसे चमड़ी पे निशान आ जाते हैं ना, ऐसे होने लगेगा,
तो आप कोशिश करें एक कत्थई कलर का पत्थर आप इनके गले में या इनके कलाई पे बांध दें, आप देखेंगे इनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, सब ठीक हो रहा है। जी बिल्कुल, और आज इस एपिसोड में गुरुजी आपने कई खास बात बताई, उसके लिए बहुत शुक्रिया, आप आए, वक्त निकाला आपने। फिलहाल इस खास एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही, यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।